धन्यवाद देना चाहूंगा भैया विप्र खड़े वालों के लिए। कितना बढ़िया अभी गीत गाया, आज बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। आज ही हो रहा है अत्याचार, पहले नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, मुझे केवल जवाब देना है अपनी तरफ से, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। पहला नंबर आपने गाया, मैंने तुम्हारी हर बात का जवाब दिया। मैंने एक टुकड़ा एक गीत गाया था आपके सामने, चार चार गवैया डोले मंच पे, मगर धुन समड़ी नहीं गई। लगनता पदगो भैया, रही बात आज के दंगल में, तुमने छंदी ऐसा डाल दिया कि जनता की समझ में छंदी नहीं आ रहा है। जो पी गई भी उतर गई। इलमदारी चाचा चाचा बहुत दिखाएंगे हमने जीवन में, दिखाती आ रहे हैं और दिखाएंगे, चिंता कहीं कर रही है। छंद ऐसा गाना चाहिए रविंद्र भाई क्या जनता की समझ में आए। कितनी भी इलमदारी दूसरा कलाकार डाल दे, ये रसियाबाजी एक ऐसी चीज है, सब लड़ जाता है, लड़े या न लड़े फिर यू लड़ जाता है। अब रही बात, मैंने तुमसे धुन गाई, तुमसे धुन नहीं गाई गई। अब रही बात, तुमने एक गीत गाया है क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, तो मेरी तरफ से जवाब देखेंगे और इस नंबर पे बहुत बढ़िया गीत मेरी तरफ से देखेंगे आटे वालों की तरफ से। भेज रहे हो, तुम्हारे बिना काम चलेगा जो मंच को, तुम लिखवा तो सही रहे हो मगर इन पे गाया नहीं जा रहा है। अगर तुम आते मंच पे गाने के लिए तो ये धनु कभी जाती, क्योंकि तुम मेरे भी संग रहे हो। अगर ठंड बढ़ेगी तो आग बढ़ रही हो ही वही पहुंचेंगे सवरे, कही तो मत ना इतना में कही वही बात है मैगी कछु नाई तुम्हारे पास और रसिया बाजी छोड़ के काऊ खेत में खोदो। फिर से भोले बाबा क्या कहने लगे हैं, क्या कात डगर ढलना प्रिय के, ये कात अगर ढलना प्रिय और फलिए कोई मलिए बोले सा।
बन जाओ। अरे तुम आन बहाने बन जाओ। अरे छन छन में और दर्शन माना है और नाम बताने बन जाओ। अरे देख रास को जन जन बहके और कहा करूं गो भर बह के चलूंगो संग दुखन तू सहके चलूंगो संग दुखन तू सहके चलो संग दुखन तू सहके सुन ले हमारी
भैया कह रहे थे कि अगर बेटी मारी जाएंगी तो हमारे और आपके बेटों की भामरे किन से डालोगी। हाँ। तो एक बात मैं भी बेटियों के लिए कह रहा हूं, हेलो, ये गर्भ के अंदर दुलारी करो मारे, और मैं भी आपसे कह रहा हूं जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे कि अगर लाइन बढ़िया लगे तो तालियां बजाना, अगर मेरी भी लाइन आपके दिल को छू करके जाए तो तालियां अवश्य बजाना। क्या गर्भ के अंदर दुलारी कर ऐसे ही मारी जाएंगी, क्या गर्भ के अंदर दुलारी और कर ऐसे ही मारी जाएगी, और कर ऐसे ही मारी जाएंगी, और फिर आपके घर में भला वो लक्ष्मी कहां से, लक्ष्मी कहां से आएगी। भैया जी, पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता, रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता, रोते रहे किंतु व्यवहार नहीं मिलता। अरे फुटपाथ झोपड़ी में रहने वाले लोगों का कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता, कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता, कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को माँ के दूध, जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को माँ के दूध, वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। रही बात, हमारे तोमर भाई कह रहे थे, बार बार धन्यवाद है, मैं आशीर्वाद ही कामना करूंगा सभी भाइयों से। इस मंच पर मुकेश के ऊपर बोबो बौछारें हुई हैं रुपयों की, एक बार बौछार हो गई तो ये हद से पार होने लग गई। जैसे बिन मांगे छोटे बच्चे को मां के दूध, वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, अरे वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, अरे वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। और लाइन बढ़िया लगे तो तालियां, अरे वाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता। और भैया प्रहलाद जी, अरे बाले स्तनों का कभी प्यार नहीं मिलता, अरे इससे तो लड़ना है बेहतर जरूरी, क्योंकि मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता, मांगने से कभी अधिकार नहीं मिलता। बेदाग दामन तार तार हो रहा है, बेदाग दामन तार तार हो रहा है, क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। अरे क्यों बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। तो मेरा कहना डिस्का भैया, आज से कार्यक्रम मुकेश के नहीं चल रहे, 14 तारीख से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। जीतू भाई, आप भी गा रहे हो, हम भी गा रहे हैं। अरे संस्कार भारत के, संस्कार भारत के, संस्कार भारत के। हाँ भैया, बेटियों पर अत्याचार क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं। संस्कार भारत के भूले हैं हम तुम, संस्कार भारत के भूले हैं हम तुम, कुसंस्कारों का, कुसंस्कारों का अधिकार हो रहा है, कुशल संस्कारों का, कुशल संस्कारों का
इससे चेहरा बदल का शर्मोसार हो रहा है, चेहरा बदल का शर्मोसार हो रहा है। बाबूजी भैया कह रहे थे क्यों बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, अब मैं जवाब दे रहा हूं, कुसंस्कारों का वतन पर अधिकार हो रहा है और इससे चेहरा वतन का शर्म सार हो रहा है। पहले गाने बाजी के एक्शन सीखो, कहना है कहीं चल रही है, कहीं चल रही है, कहीं चल रही है, कहीं मर रही है, कहीं चल रही है, कहीं मर रही है, और फिर भी फर्ज अपना, फिर भी फर्ज अपना पूरा कर रही है, फिर भी फर्ज अपना पूरा कर रही है, फिर भी फर्ज अपना पूरा कर रही है। इसका भाई देख, अरे नारी का सम्मान, नारी का सम्मान भूल गया भारत, नारी का सम्मान भूल गया भारत, अरे नारी का सम्मान भूल गया भारत, बीच खुद पतन के, बीच खुद पतन के पार पार हो रहा है, बीच खुद पतन के पार, बीच खुद पतन के पार पार हो रहा है। हम और तुम जो इंसान हैं प्रहलाद भैया, अरे बीच खुद पतन के इंसान बार बार बो रहा है, इसी से चेहरा बदल का शर्मोसार हो रहा है, चेहरा बदल का शर्मोसार हो रहा है। सभी कमेटी वालों की तरफ से, सभी जनता वालों की तरफ से, सभी कलाकार बंधुओं की तरफ से जवाब पर माहौल लग रही है और आशीर्वाद मिल रहा है। एक दोनों महीने सलना पड़ रही है, कहना है राम कृष्ण अरे चुनकी, राम कृष्ण अरे चुनकी, राम कृष्ण अरे चुनकी। देखो दिनेश तोमर जी और जीतू भैया और रविंद्र भैया, तुम नीचे बैठ जाओ, एक ही शेर काफी है तुम्हारे अखाड़े में। हाँ राघव जी ये लिखवाओ जानता है, हाँ राम भी रखे उसका, हाँ सर राम कृष्ण अरे चुनकी, ये है मातृभूमि, राम कृष्ण अरे चुनकी, ये है मातृभूमि। और देखिए कितनी बढ़िया बात आ रही है, तुम स्वयं तालियां बजाओगे। हाँ बेटा, राम कृष्ण अरे चुनकी, ये है मातृभूमि, हर युग में जाए, हर युग में जाए ये नैनों से चूमी, हर युग में जाए नैनों से चूमी, हर युग में जाए, हर युग में जाए नैनों से चूमी। और शास्त्र शर्मिंदा, शास्त्र शर्मिंदा पुरा
पुराणों की निंदा सात शर्मिंदा पुराणों की निंदा। ये किशन शर्मा की लेखनी लिखी जा रही है, तुम्हारे राघव जी की लेखनी है तो इतने में किशन शर्मा की लेखनी है, पेंसिल अंदर तक बवार दी जाएगी। देख शास्त्र शर्मिंदा पुराणों की निंदा शास्त्र शर्मिंदा पुराणों की निंदा सर्व सार वेदों का सर्व सार वेदों का सार हो रहा है सर्व सार वेदों का सर्व सार वेदों का सार हो रहा है। बड़ी खुशी की बात, हमारे गुरु किशन जी के लिए 21 रुपए का पुरस्कार, जो राइटर हैं रामवीर जी की अनुपस्थिति में ये उपस्थित हैं राइटर है। ये लिख रहे हैं भाई साहब राघव जी, हमारे किशन गुरु जी के लिए 10 रुपए का पुरस्कार देकर गए, एक बार जोरदार तालियां बजा दे दो। वाह, मैं बहुत बड़ाई कर रहा हूं पर कछु करके खाओ ना तो। हाँ, मैं छंदा तो बहुत जल्दी काटता हूँ। शास्त्र शर्मिंदा है पुराणों की निंदा है शास्त्र शर्मिंदा है पुराणों की निंदा है शर्म सार वेदों का शर्म सार वेदों का वो सार हो रहा है शर्म सार वेदों का सार हो रहा है कुछ जाने कहां से पकड़ के ले आए हो, रात भर छंद की अता पता नहीं पड़ रहा है। अरे ये राघव जी का छंद है, समझ में आ रहा है? पूरी रात में छंद काऊ के पल्ले न पड़ो हो। अरे वो जत्वा को काच रहे, जैसे तुम चलते रहोगे वैसी हम बवारते रहेंगे। अरे से जिस मन के और जत्व पात है और सो अत्वा को साच रहे जो समझ के भैया कोरोना का फिर से रसिया गा गए, क्योंकि मेरा जवाब देना अनिवार्य है, वो गाते जाएंगे मुझे जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी मां साहब, 5 मिनट में रसिया बजा के उसके बाद में बहुत बढ़िया गीत मेरी तरफ से।
अरविंद भाई, दो तीन साल से मैंने अपनी धारणा बनाई है रसियाबाजी में। मैं रसियाबाजी करता हूं तो अपनी साइड में ही गाना गाता हूं, मगर मजबूरी पड़ जाती है जैसे कि हमारे राघव बार आ जाते हैं। अरे जादूगर सैया, अरे जादूगर सैया, छोड़ो मेरी पैया। राघव, अरे हो गई आधी रात, अब घर जाना है। वाह, ओ बागो को भैया राग लगाए रहो तो मुझे कह रहो तो रागी तू मत बने, उन्नी रागी बन जाने वाले। श्यामीर भैया, हम तो बड़े प्यार प्यार के साथ में रसियाबाजी करते हैं और आज हम गाना गा रहे हैं तो बड़े फ्रेंकली मूड में गा रहे हैं। देख बिल्कुल दार 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 दार, ये कह रहे थे ना देख ना रोपो तो ना भरेगो पिसको जाम, उल्टा और सीधा कोरोना का उल्टा हो गया ना रोपो। अब हमारे गुरुजी क्या उल्टा सीधा लिख करके दे रहे हैं। अब कोरोना की बात तो हो गई, अब आगे क्या बच रहा है। एरे मगारे दवाई, भैया सबरो ग्रुप हमारे राघव जी को फोटो खींच ली हूं और बड़ी स्टाइल से निकाल रही हूं। मगा रहे दबाई, शहर शहर और गांव ने देख लियो, गांव का उल्टा क्या है, गांव का उल्टा हो गया मगा। तेरे मगा रहे दबाई, कोई शहर शहर और काम, अरे है विश्व में व्यापी वो कोरोना। मैं वैसे ही पहले नंबर पर तुमसे नहीं कह रहा था कि उल्टा सीधा मत गाओ, ये सुनने वाली बस्ती है, एक एक बात को पकड़ने वाली बस्ती है। इसका भैया, अरे कछु के सतो देख दोबारा, अरे कछु के सतो देख दोबारा, अरे कछु के सतो देख दोबारा, अरे लॉकडाउन लगवाते, अरे लॉकडाउन लगवाते। कुछ देश, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, कछु देश तो देख दोबारा लॉकडाउन लगवाते, अरे मिलो न टीका कोरोना को, मिलो न टीका कोरोना को, लड़के फते न पाते।
चेक करो है जे उमरिया करके जो कह रहो कि वो कोरोना है वो भगवान दवाई भेजे एरे मचा ये हल्ला है अब सब तो हो गया मचा देख लो खलीफा पहचान गए ना फिल्म को तब काफिया का आवा खलीफा खलीफा का आवा क्या बात है हाथ में पकड़े हुए बारे तेरे मचा ये हल्ला है सबकी सुपड़ी गई है चाम उल्टो और सीधो हाँ चाहे या आगार दे ले या चाहे पीछे दे ले कितने ही मर्जी है कैसी सबसे पहले जा भारत में आवे कोविड का टीका अरे सबसे पहले जा भारत में आवे कोविड को टीका और मोदी जी ने ऐलान भी किया है कि सबको मिलेगा टीका ऐलान भी किया है भैया जी अरे आवे कोविड का टीका अरे मेरे भारत के माथे पे देख लगे विजय को टीका अरे लगे विजय को टीका भैया लगे विजय को टीका मेरे भारत के माथे पे ये अब काफिया क्या बनेगा क्या बात है तेरे मथा सहज को नाई पूजनो अपनी ठाम जगह भीतर तक पेंसिल बवार दूंगा राघव जी ध्यान रखना देखो नीचे थे तो कल भैया लेको कर ले दे नीचे थे कर रहे आज राघव जी की भारी के छोड़ोगे क्या ऐसा लग रहा हूँ भैया कहूँ भैंस को जेब निकाले के पीछे भाग रहा होगा देख जाने मांगी हाँ जी जाने मांगी हमने भिजवाई अरे जाने मांगी हमने भिजवाई वो कोरोना की दवाई अरे जाने मांगी हमने भिजवाई वो कोरोना की दवाई और वो दवाई हमारे देश से अन्य देशों में कौन सी गई अरे क्लोरोक्वीन ते सही हो तो तालियां एक बार सही हो तो तालियां क्लोरोक्वीन ते जा भारत ने सारी दुनिया बचाई अरे सारी दुनिया बचाई भैया अन्य देशों में क्लोरोक्वीन दवा पहुंचाई गई उसी के इस्तेमाल से आज हमारे देश में भी मरीज बहुत ठीक हुए और अन्य देशों में भी हुए तो मेरा कहना है तेरे मथा अब काफिया कितना बढ़िया आ रहा है तेरे मथा है खिचोने निज कर में थाम सही है ले जा मेरे गोला भैया तोमर जी
नाम दे रहा हूँ गोला तब मार के छोड़ोगे जने तेरे मथा है खिचो में कलम निज कर में थाम अरे है विश्व में व्यापी कौरो भाई साहब अब एक गीत मेरी तरफ से और मैं वादा कर चौथी पांचवी साल में आया और इस मंच पर जो गाना गाया है मैं गाऊंगा नहीं अब एक नया गीत और आप अगली साल तक याद करोगे इस गीत को और धुन बजा मास्टर साहब रिमझिम बरसता सावन होगा झिलमिल सितारों का आंगन होगा गाने बजाने के दद्दू ढंग बहुत अलग होता है हो पीछे कर ले बेटा बैठ जा अरविंद भाई झिलमिल सितारों का अपने गुरु जैसी लटक होगी मुकेश अपने गुरु की नकल करता है किसी अन्य कलाकार की नकल नहीं करता है झिलमिल सितारों का आंगन होगा अरे झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता खलीबा जी मेरा हाथ जोड़ के पैर छू करके आपसे निवेदन है मैं मंच पर खड़े है जाऊं मेरे सामने केवल सीन बनाने के लिए आ जाओ जा टोपा लगा के टोपा थी क्या इसीलिए मैंने याद किया आपको कि टोपा तुम्हारा बहुत बढ़िया आ जाए तो आप आ जाओ मैं खड़े आ जाऊं ना हो अब साज को हल्का करके बस बात उस समय की जीतू भैया महाभारत दरमियान जब भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं तीर मार तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से तो अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से क्या कहने लगा है सुनना गीत को तबीयत खुश कर दूंगा एक ही गीत में तो अर्जुन कहने लगा है कि हे केशव धर्मवीर भैया गीत को सुने कि हे कन्हैया जिन हाथों में पाला पोसा जिन हाथों ने पाला पोसा और कोट में मुझे खिलाया है अरे जिन हाथों ने पाला पोसा और कोट में मुझे खिलाया है और हे मधुसूदन उंगली पकड़ के जिन्होंने मुझको चलना भी सिखाया है उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना मुझे सिखाया है और खलीफा जी मैंने जिनसे रण कौशल सीखा
कौन गुरु द्रोणाचार्य जय जय हमारे शेर सिंह भैया जी के सुपुत्र की तरफ से नोटों की बौछार हुई है। एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। कहने लगे ही बोल बेटा, अरे जिन हाथों ने पाला पोसा अरे गोद में मुझे गया है, अरे उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना मुझे सिखाया है। और तुम केशव मुझसे बार बार कह रहे हो इनमें तीर मार, जिनसे रण कौशल मैंने सीखा गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे रण कौशल मैंने सीखा प्यार भी जिनका पाया है। अरे जिनसे रण कौशल मैंने सीखा अरे प्यार उन्हीं का पाया है। और देखिए तुम सब तालियां बजाओगे मुझे विश्वास है। अरे जिनसे रण कौशल सीखा मैंने अरे प्यार उन्हीं का पाया है, उन पे ही हथियार उठाना क्या ये अवसर आया है, उन पर ही हथियार उठाना क्या ये अवसर आया है। तो है कन्हैया, अरे उन पे ही हथियार उठाना क्या ये अवसर आया है। और बढ़िया बात लग जाए तो सब जनता की तालियां। तो कन्हैया अपनों पे इन अपनों पे तीर कर, अपनों पे तीर कर चलाना होगा तो मेरे लिए तो ये मर जाना होगा। अपनों पे तीर कर चलाया होगा मेरे लिए तो मर जाना होगा। अपनों पे अपनों पे तीर कर चलाना होगा तो मेरे लिए तो ये मर जाना होगा। अपनों पे तीर कर अब मेरे गीत की हेडिंग है शेरपाल भैया। हमारे बाजे मास्टर हैं टंपू भाई, उनको बढ़िया बात लगी तो उन्होंने भी हमें 10 रुपए का पुरस्कार दिया है। एक बार भैया के नाम की जोरदार तालियां। पहली बार गाने की हेडिंग रही कि मेरे लिए मर जाना होगा। घायल अवस्था में करण पड़ा हुआ है और भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं कि इसमें तीर मार, तीर मार। तो अर्जुन कहने लगा है कि हे केशव माना कि है दुश्मन मेरा ये करण, अरे माना कि है दुश्मन मेरा लेकिन नियम प्रतिकूल है, अरे माना के है दुश्मन मेरा पर नियम ये प्रतिकूल है। और इसकी अवस्था देख रहे हो कर्ण की, अरे पैया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है, पैया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है। और दद्दू दोबारा से हो, माना कि है दुश्मन मेरा लेकिन नियम प्रतिकूल है, अरे माना के है दुश्मन मेरा लेकिन नियम प्रतिकूल है। संजय भैया मैं समझ रहा हूं आपकी भावना को, जो उमेश है ना, उमेश है जो लखनऊ में लिखा करते हैं, सबसे पहले राखी से भी पहले मेरे साथ में कम से कम 4 साल लिखा था लखनऊ में, 4 साल।
और सबसे पहले ये गीत मुकेश के मुखारविंद से शंभू हलचल के सामने कानपुर में गब्बाया था और हमारे डिस्का भाई ढोलक बजा रहे थे। और जिसको आदमी पैसा देता है उस पर कार्य भी करा सकता, उसका हक होता है। गुरु, अरे माना के है दुश्मन मेरा, लेके ले ले प्रतिकूल है। और तोमर भैया, पैया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है। पैया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है। हम जितना कह रहे हैं उतने ही चलो बस। अरे पैया टूटा गिरा सारथी रहा समर में झूल है। उस्ताद जी की तरफ से, हाँ हमारे खिच्चो आटे वाले अखाड़े के खलीफा जी हैं, उस्ताद हैं, 51 रुपए का पुरस्कार बच्चे को दिया है। मैं बार बार आशीर्वाद ही कामना करूंगा। अब आगे, अरे पैया टूटा गिरा सारथी रा समर में झूल है। अरे पार करे सामने से डट के और मर्द का वही उसूल है। पार करे सामने डट के अरे मर्द का वही उसूल है। चरणदास भैया, पार करे डट के सामने से अरे मर्द का वही उसूल है। इस तरीका से एक गीत गा करके तो जाओ मंच पर। हाँ, हिबड़े हिबड़े ते गाना नहीं होता, एक एक लफ्ज जनता के कान में जाए वो गाना है। अरे पार करे सामने से डट के अरे मर्द का भाई असूल है। और इस घायल करण को कैसे मारूं, इस घायल करण को कैसे मारूं, बहुत बड़ी मेरी भूल है। घायल करण को कैसे मारूं, बहुत बड़ी मेरी भूल है। ये गुरु वाली बात है और एक्शन भी वही है। हाँ। अरे घायल करण को कैसे मारूं, बहुत बड़ी मेरी भूल है। तो पहली लाइन ही, अपनों पे तीर कर चलाना होगा, मेरे लिए मर जाना होगा। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, अरे घायल करण को कैसे मारूं, बहुत बड़ी मेरी भूल है। तो संजय भैया देख, निहत्ते पे तीर कर चलाना होगा, निहत्ते पे तीर कर चलाना होगा। अगर बात बढ़िया लग जाए तो सब जनता की ताली। निहत्ते पे तीर कर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो ये मर। निहत्ते पे तीर कर चलाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। देखिए, ये हमारी बहन जी है, सभी कलाकारों के लिए पुरस्कृत किया है। मैं बार बार चरणों में तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। एक बार बहन जी के नाम की जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे, क्योंकि ऐसी बहन बेटियां होनी चाहिए। रसियों को बहन बेटियां सुनती नहीं, मगर ये ऐसी बहन है कि रसिया कहीं पर भी सुन ले हमारे चरणदास भैया, तो स्कूटी लेकर के घर से निकल जाते हैं। 3 बजे के निकलते हैं और रात को 10 बजे पहुंचते। परसों मेरा दंगल हुआ हमारे गोंडा में ओमवीर शर्मा से, तो मुझसे कह रहे थे कि मुकेश तैने बड़ा धोखा दिया, तेरे गांव में दंगल हो रहा, तूने हमें बताया नहीं। तो मैं क्षमा चाहता हूं, अगली साल जरूर बुलाऊंगा तुम। ये निहत्ते पे भैया जी, निहत्ते पे तीर कर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो मर जाना होगा। निहत्ते पे तीर
संजय भैया, उमेश भैया ने यहाँ किशन गुरु की छापी लगाई थी इस गीत में, किस तरीका से? अर्जुन कह रहे हैं कि अपनों पर तीर घर चलाना होगा, मेरे लिए मर जाना होगा, और निहत्ते कर्ण पर तीर घर चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना होगा। खलीबाजी, अरे खलीबाजी सुनो ना, हाथ जोड़ के गिनो, बात में देती हूँ। राघव जी लिख रहे हैं हमारी, जब तक जिस समय भैया, जिस समय अर्जुन के रथ पर शिखंडी खड़ा हुआ है, सामने भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह सामने शिखंडी को देखते हुए कह रहे हैं, इस बात को आप सुनिए क्या, अरे चालबाज है किसन कोई, अरे चालबाज है किसन कोई, मुकेश वैसे ही नहीं गाता है, मुकेश प्रूफ देता है साथ में, चालबाज है किसन कोई, चाल कोई श्रीमान है, अरे चालबाज है किसन कोई, अरे चाल कोई श्रीमान है। तब वो पितामह कहने लगे हैं, अरे सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है, सन्मुख, अरे सन्मुख शिखंडी खड़ा है, मैंने लिया पहचान है। अब पहचान क्या की पितामह ने, पूर्व जन्म की नारी है ये, अरे पूर्व जन्म की नारी है ये, अरे पूर्व जन्म की नारी है ये, आज बड़ा व्यवधान है, पूर्व जन्म की नारी है ये, कोई आज बड़ा व्यवधान है। और सौरभ भैया, अरे पूर्व जन्म की नारी है ये, कोई आज बड़ा व्यवधान है। और इस नारी को देखते हुए खलीबाजी, आज बड़ा व्यवधान है, यही सोच के यही समझ के धरा धनुष, अरे यही सोच कर यही समझ कर धनाधर सोर बाण है। और एंड में नागेश तोमर जी, ये मुकेश का दिमाग है जाने कहां खेल जाए, अरे यही सोच के यही सोच कर यही समझ कर धनाधर सोर बाण है। नारी पर पितामह कह रहे, इस नारी पे तीर गर, नारी पे तीर गर, नारी पे तीर गर चलाना होगा, नारी पे तीर गर चलाना होगा तो मेरे